जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने श्रावण मेले की तैयारियों पर कहा कि 14 जुलाई से श्रावण प्रारंभ हो रहा है, जिसको देखते हुए सभी मंदिरों की साफ सफाई करवाई जा रही है, जिसके लिए सभी थानों पर बैठक की जा चुकी है। इसके अलावा तहसील लेवल पर सीओ एओमआईसी थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग की जा चुकी है तथा सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्र की सड़कों को ठीक करवा दें और जो सड़कें खराब है वहां पर बैरिकेटिंग करवा दें, जिससे किसी श्रद्धालु को किसी तरह की समस्या ना हो। सड़क पर जो भी बिजली के तार नीचे हैं उसको ऊपर करवा दिया जाए। उन्होंने कहा सभी विभागों के द्वारा कार्य करवाया जा चुका है, जो भी थोड़ी कमी है उसको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने कहा अभी आने वाले वक्त में 10 तारीख को ईद है, उसके बाद फिर सावन मेला आएगा, चार सोमवार 26 तारीख को माँ की आरती है। इस संबंध में सभी थानों में 120 मीटिंग हो गया है और तहसील लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन है उसमें SDM, CO, MOIC, EOs, DDOs के लेवल पे मीटिंग कराई जा रही है और समस्त रास्ता साफ सफाई, लाइट्स, जहाँ जहाँ स्नान स्थल है वहाँ पे लाइट्स, बैरिकेटिंग की व्यवस्था, जो रोड्स है उसका अगर कोई रोड में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका रिपेयर, अगर कोई बिजली का तार उस रूट में कहीं जर्जर हुआ है उसको ठीक कराने के लिए सभी तरह का निर्देश दिए जा चुके हैं और समस्त विभाग के द्वारा मैक्सिमम काम कराया भी जा चुका है। ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो भी थोड़ी बहुत कमी जिस तरह निकलती रहेगी उसको भी ठीक कराते रहेंगे ताकि जो भी श्रद्धालु हैं और सभी को मतलब बेहतर से बेहतर हमें सुविधा प्रदान कर सकते हैं।